हजरतगंज चौराहे पर भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी का फूका पुतला। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को ना मानने के मामले को लेकर ममता बनर्जी चर्चाओं में हैं। भाजपा नेताओं ने भाजपा कार्यालय से ममता बनर्जी का पुतला निकालकर विधानसभा होते हुए हजरतगंज चौराहे पर ले जाकर फूका। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं। अब ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। इसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यालय में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा था। हमारे सामने एमएलसी रामचंद्र मौजूद है जो पुतला लेकर के ममता बनर्जी का आए थे, उनसे बात करेंगे। सर, क्या आज हुआ है? ममता बनर्जी ने पिछड़ों का आरक्षण काट करके मुसलमानों को देने का काम किया है, वो भी वो मुसलमान जो बांग्लादेश से घुसपैठी आए हुए रोहिणिया मुसलमान जो घुसपैठिए हैं। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहां मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बालपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।